और आज का जो भी लेक्चर दोस्तों, तो आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, तो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन उनका बाकी है, बस एक्टिविटी 4 करके उन्होंने दिया है, जिसका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37, तो इसको अपन आज सॉल्व कर लेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 39 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आई होप आपने हर एक लेक्चर को पक्का देखा होगा। तो जो भी मेरा लेक्चर नंबर 39 था दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 39 में वहां पे मैंने आपके टेक्स्ट बुक का जो भी इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 है ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका पेज नंबर था 36 और 37, तो ये दोनों इलस्ट्रेशन मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके सॉल्व करवा के दे दिए थे। आई होप आपने वो इलस्ट्रेशन पक्का सॉल्व किया होगा। और आज का जो भी लेक्चर दोस्तों, तो आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, तो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन उनका बाकी है, बस एक्टिविटी 4 करके उन्होंने दिया है, जिसका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37, तो इसको अपन आज सॉल्व कर लेंगे। और ये इलस्ट्रेशन आपके सेकेंड चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन होगा, ठीक है? और इसके बाद अपन डायरेक्टली एक्सरसाइज वगैरह ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो जल्दी से आ जाओ दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 के ऊपर। देखो उन्होंने क्या दिया है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड फिल द टेबल। ओके, बहुत आसान है। अभी आपको क्या करना है पता है क्या, कि उन्होंने यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन दिया है, अभी आपको पता है ऑलरेडी, है ना? ऑलरेडी अपन ने इसके ऊपर बहुत सारी चीजें देखी है। अभी आप मुझ पे हंसते होगे ना वीडियोस में, जब आप वीडियो देखते होगे तो क्या यार सर वही 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 बोल रहे हो, है ना? लेकिन कोई बात नहीं सर, हमारा बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाते रहो, हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है? चलो तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है बोलो, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है। फॉर्मेट में यहाँ पे हमको कितने कॉलम्स बनाने, 4 कॉलम। कौन से? सबसे पहले हमको यहाँ पे बनाना पड़ता है ट्रांजेक्शन वाला कॉलम, सेकंड हमको यहाँ पे बनाना पड़ता है एसेट्स वाला कॉलम, थर्ड यहाँ पे हमको बनाना पड़ता है लायबिलिटी, और फोर्थ हमको यहाँ पे बनाना पड़ता है कैपिटल का, ठीक है? तो सब लोग 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देना, कॉलम बना लेना, फिर साथ साथ में सॉल्व कर देना, ठीक है? चलो अभी ना इसको मन से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने तो आंसर तो दिया नहीं, तो अपने को अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो जल्दी से क्या बोल रहा है, मिस्टर मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000, है ना? तो सबसे पहले क्या करने का रहता है दोस्तों, अभी ना यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन नहीं लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप पूरा ट्रांजेक्शन लिख देना। क्या लिखोगे? मिस्टर मनोहर, है ना, जो भी है स्टार्टेड बिजनेस वगैरह वगैरह, आप यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन लिख देना, ठीक है? अभी जब भी मनोहर हमारा बिजनेस उसका बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो टाइम पे क्या होगा, वो कैश लेके आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, हमारे बिजनेस में कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है क्या? नहीं। और जब भी कोई भी ओनर मालिक प्रोपराइटर हमारे बिजनेस में पैसा लेके आते हैं, तो क्या होता है बोलो, हमारा कैपिटल भी बढ़ता है, ठीक है? हमारा क्या बढ़ेगा बोलो, कैपिटल भी बढ़ेगा। तो दो इफेक्ट क्या जाएंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं एसेट में जाऊंगा, एसेट में जाके वहां पे मैं लिख दूंगा दोस्तों यहाँ पे 75,000, है क्या? नहीं। और दूसरा मैं कहाँ पे लिखूंगा दोस्तों, कैपिटल में लिखूंगा 75,000, ठीक है? और ये करने के बाद आपको क्या करना है बोले, इसका टोटल ले लेने का। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 75,000 यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे प्लस कितना आएगा बोलो, 75,000, ठीक है ना? ध्यान में आ रहा है क्या तुमको? तो प्लीज चेक करो आपके एसेट्स आपके लाइबिलिटी के बराबर है क्या नहीं है, ठीक है? चलो अभी सेकेंड ट्रांजेक्शन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन के ऊपर देखो, उन्होंने सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या दिया है, जल्दी से देखो क्या बोल रहा है वो। यहाँ पे उन्होंने दिया है परचेस स्टेशनरी ₹1,000। अभी क्या करने का, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख देना वैसे ट्रांजेक्शन, परचेस स्टेशनरी रुपीज, है ना, जो भी था, कितने का परचेस किया था आपने, 1000 का, वहां पे लिख देना 1000। अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी आप सामने वाले के पास से स्टेशनरी परचेस करोगे, है क्या नहीं, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, खर्चा हो जाएगा उतना 1000 का। तो खर्चा मतलब क्या होगा बोलो, आपका उतना कैश कम होगा, कैश मतलब आपका एसेट कम होगा। तो सबसे पहले मैं एसेट में से यहाँ पे माइनस करूंगा 1000, और नीचे लिखूंगा यहाँ पे 74,000, नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पे 74,000। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, मेरा स्टेशनरी मैंने परचेस किया, मतलब स्टेशनरी की वजह से मेरा एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर मतलब लॉस, है ना? और लॉस मतलब क्या करना है बोलो,
कैपिटल में से माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल में से भी माइनस कर दूंगा और नीचे में यहाँ पे लिखूंगा इसका टोटल कितना आएगा बोलो, 74,000। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या दोस्तों? आई होप आपको समझता होगा, ठीक है। अभी देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, बॉट गुड्स 6,000 फ्रॉम मोहन, ठीक है। अभी याद रखना बॉट का मतलब ही होता है दोस्तों परचेज। बॉट का क्या मतलब होता है बोलो, परचेस मतलब होता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है वो, परचेज गुड्स 6,000 फ्रॉम मोहन। तो इसका इसके वजह से क्या होगा, ध्यान देना, सबसे पहले आपने गुड्स परचेस किया मतलब आपका क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा, है क्या नहीं। और यहाँ पे आपने मोहन के पास से जो भी परचेस किया उसको अभी इमीडिएट कैश दिया क्या बोलो, नहीं दिया। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, मोहन मतलब आपका यहाँ पे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा और क्रेडिटर्स मतलब यहाँ पे आपका लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या? तो सबसे पहले क्या करो, एसेट में जाओ, कितने के यहाँ पे आपने परचेस किया रे, 6,000 के ना। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन लिख देना, वो बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन जो भी है वो कितने का था, 6,000 का था ना। तो सबसे पहले क्या करो, 6,000 से स्टॉक बढ़ा दो। यहाँ पे 6,000 से मैं क्या करता हूँ बोलो, स्टॉक बढ़ा देता हूँ। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, मेरा लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगा क्योंकि उतना पैसा मुझे मोहन को देना बाकी है। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा दोस्तों 6,000 और फिर यहाँ पे मैं उसका टोटल ले लूंगा, कितना आएगा बोलो, यहाँ पे 80,000 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 6,000, है ना। फिर यहाँ पे आएगा मेरा 74,000 वैसे ही। तो 74 प्लस 6 मेरा 80,000 यहाँ पे हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, बताओ, ठीक है। चलो अभी आगे जल्दी से फोर्थ वाला, सोल्ड गुड्स टू राधा 10,000। मतलब क्या रे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख लो भला, ठीक है। आपने कितने के बेचे राधा को, 10,000 के बेचे। तो क्या होगा, आप जब भी राधा को 10,000 के गुड्स बेचोगे तो मतलब आपका स्टॉक क्या होगा, कम हो जाएगा। स्टॉक कम हुआ मतलब आपका एसेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा बोलो, एसेट्स में से यहाँ पे 10,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा क्या, आपने किसको बेचा बोलो, राधा को, मतलब राधा के पास से यहाँ पे आपको पैसा लेना है। पैसा लेना है मतलब राधा आपकी डेटर बन जाएगी और डेटर मतलब एसेट, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं 10,000 वापस एड भी कर दूंगा, ठीक है। और अल्टीमेट यहाँ पे मेरा इफेक्ट क्या आएगा, 80,000 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 6,000 प्लस 74,000। कॉन्सेप्ट समझा क्या, ध्यान में आ रहा है ना दोस्तों, राइट। ये 10,000 किस चीज के वजह से माइनस हुआ, स्टॉक कम होने की वजह से। और ये 10,000 क्यों ऐड हुआ, डेटर की वजह से ऐड हो गया, ठीक है। तो अभी तक आपको समझा क्या, बोलो जल्दी से मुझे कमेंट में, रिस्पॉन्स करते रहो। आगे फिफ्थ वाला देखो क्या बोल रहा है, परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस। अच्छा, फॉर बिजनेस बोल रहा है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, अपन क्या एज्यूम करेंगे, जो भी मोबाइल है ना, मोबाइल ये आपका एसेट है, ऐसे अपन एज्यूम करेंगे, ठीक है। अभी जब भी आप सामने वाले के पास से मोबाइल परचेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा बोलो, आपके बिजनेस में से उतना कैश जाएगा। तो क्या करने का बोलो, फिर सबसे पहले कैश जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपका कैश नाम का एसेट कम हो जाएगा, राइट। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर लेना है दोस्तों, वहां पे आप पहले ट्रांजेक्शन लिख देना, क्या ट्रांजेक्शन था, वहां पे आपका परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस 2,000। तो यहाँ पे आप लिख दो वैसे, परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस 2,000, ऐसे आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख दो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या होगा, आप परचेस कर रहे हो तो कैश जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एसेट में से 2,000 माइनस करूंगा क्योंकि हमारे बिजनेस में से उतना कैश क्या हो रहा है बोल दोस्तों, कम हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या, हमारे बिजनेस में मोबाइल आ रहा है, मोबाइल मतलब एसेट आ रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा एसेट बढ़ जाएगा 2,000 से क्योंकि यहाँ पे हमारा मोबाइल नाम का एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर क्या करने का, इसका टोटल वापस ले लेने का, है ना। तो एसेट इज इक्वल टू करो चलो जल्दी से यहाँ पे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखो ये मैच हो रहा है क्या, मैच होना ही चाहिए, ठीक है। चलो अभी आगे देखो क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। अभी ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, लास्ट लेक्चर में भी किया था। देखो अभी यहाँ पे क्या किया दोस्तों, अपन ने सामने वाले को 20,000 रुपए के गुड्स बेचे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन लिख लो क्या है वो, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आप सामने वाले को 20,000 के गुड्स बेच रहे हो, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, आपके यहाँ पे एसेट्स 20,000 से कम हो जाएंगे, है ना। अभी सामने वाले को आपने 20,000 के गुड्स कितने प्रॉफिट में बेचे, 5,000 प्रॉफिट में। मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या दोस्तों, कि सामने वाले को आपने 20,000 के जो भी गुड्स थे वो आपने 25,000 में बेचे। मतलब सामने वाले के पास से आपको कितना पैसा रिसीवेबल है बोलो,
25,000 आपको वहां पे रिसीवेबल है, ठीक है। तो रिसीवेबल मतलब हमारे वो डेटर्स बन जाएंगे, और डेटर्स मतलब क्या होगा, हमारा एसेट बढ़ जाएगा। डेटर्स मतलब क्या बोलो, हमारा एसेट उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों 25,000 ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि उतना पैसा मुझे सामने वाले के पास से रिसीवेबल है, लेना है, ठीक है। और सीधी बात है ना, 20,000 की चीज अगर मैं 25,000 में बेच रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे 5,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब भी मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं क्या करता हूँ बोलो, मेरे कैपिटल में ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरी कैपिटल में 5,000 ऐड कर दूंगा, और फिर इसका टोटल वापस ले लूंगा। तो देखो इसका कितना आ रहा है, 85,000, और इधर कितना है 6,000, और इधर आएगा 79,000, ठीक है ना दोस्तों। तो ये ऐसा मिला कि आपका यहाँ पे 85,000 का टोटल मैच हो जाएगा। अभी लास्ट वाला यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं, लेकिन आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। देखो सेवेंथ वाला क्या बोल रहा है, पेड सैलरी 2,500। अभी यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करने का, ट्रांजेक्शन लिख दो। देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख दो, ठीक है। अभी आपने सामने वाले को सैलरी पे किया, मतलब ऑब्वियसली आपके बिजनेस में से क्या होगा रे, 2,500 रुपीज यहाँ पे जाएगा कैश, है ना। और जब भी आप सैलरी दे रहे हो मतलब आपका खर्चा है, और खर्चा मतलब लॉस, और जब भी आपका लॉस होता है तो आप क्या करते हो बोलो, कैपिटल में से उसको माइनस करते हो, ठीक है। तो ये होने के बाद इसका टोटल ले लो जल्दी से फटक करके, यहाँ पे मेरा आएगा 82,500, है ना। यहाँ पे मेरा देखो कितना आ रहा है, 6,000 वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे देखो मेरा कितना आएगा, तो यहाँ पे मेरा आएगा दोस्तों 76,500, ठीक है। तो प्लीज चेक करो, 76,500 प्लस यहाँ पे 6,000 कितना आता है दोस्तों, 82,500, और यहाँ पे भी आ रहा है 82,500, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, मेरा टैली हो रहा है। क्लियर है क्या, बताओ कॉन्सेप्ट, एकदम आसान था कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक एक्टिविटी, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश किया है। आई होप आपको वो हर एक चीजें बहुत ही प्यारे तरीके से समझा होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्या करेंगे कि आपका ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं, अपन इसको सॉल्व करवा के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। हर एक चीजें मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो दोस्तों सिर्फ एक काम करते जाओ बस, कि ना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, अपने YouTube फैमिली को बहुत बड़ा ग्रो करना, महाराष्ट्र का नंबर वन चैनल तो भी पक्का बना देना, ठीक है। ऑब्वियसली मैं CBSE वगैरह भी स्टार्ट करूंगा, तब मैं इंडिया सबसे भारी चैनल बोल दूंगा, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।